कभी ना थमने वाली माया नगरी मुंबई इस समय थम गई है। दरअसल मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी है। रात भर जारी भारी बारिश की वजह से मुंबई वालों का काफ़ी नुकसान हुआ है। मुंबई में आफत की बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनें तो कैंसिल हुई ही, कई विमान सेवाओं ने भी एडवाइजरी जारी की। इस बीच मौसम विभाग भी चेता रहा है कि शहर को फिलहाल इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सोमवार सुबह मुंबई में भारी बारिश की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। करीब 50 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इनमें इंडिगो की 42 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसमें 20 प्रस्थान करने वाली उड़ानें शामिल थीं, जबकि एयर इंडिया की 6 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 3 आगमन वाली उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेनों पर भी भारी बारिश का असर हुआ है। पटरियों पर पानी और गाद भरने की वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई। कसारा टिटवाला कॉरिडोर पर OHE खराब होने से भी ट्रेनें थमी रहीं। वहीं जालना CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। मलाड CSMT एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। पुणे CSMT प्रगति एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। पश्चिमी रेलवे ने कहा कि भारी बारिश की वजह से मटुंगा रोड और दादर के बीच पानी रेल की पटरियों के स्तर से ऊपर आ गया, जिसके चलते उपनगरीय ट्रेनें 10 मिनट के विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई आखिर किस वजह से हर बार बारिश के पानी में डूब जाती है, वो भी कुछ घंटे की बारिश में। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। दरअसल ये शहर केवल अरब सागर से ही घिरा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ 4 नदियाँ भी हैं, मीठी, दहीसर, ओशिवारा और पोयसर। नदियों के अलावा यहाँ 4 क्रीक है। ये सब मिलकर लगभग 21 मिलियन की आबादी वाले शहर को मानसून के मौसम में काफ़ी खतरनाक बना देते हैं। मुंबई की टोपोग्राफी, समंदर किनारे बसे ये शहर कई जगहों पर काफ़ी नीचे बसा हुआ है, जबकि कई जगहें काफ़ी ऊंचाई पर हैं। बता दें कि मुंबई 7 द्वीपों के मिलने से बना हुआ है, ऐसे में उसका आकार देश के ज़्यादातर शहरों से काफ़ी अलग, कुछ कुछ तरेदार प्लेट की तरह है। बारिश शुरू होते ही पानी अपने आप नीचे की तरफ आकर जमा होने लगता है। ऐसे में कुछ इलाके हैं सायन, अंधेरी, साबवे, मैलान साबवे और खार, ये हिस्से कुछ घंटों की बारिश में पानी में डूबने लगते हैं। अतिक्रमण, आर्थिक राजधानी होने की वजह से यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते रहते हैं। इतने लोगों के रहने के लिए वैसी प्लानिंग नहीं है। बड़ी आबादी निचले हिस्सों में बसी हुई है, जो पानी के लिए संवेदनशील है। यहाँ पर पानी के बाहर निकलने या ज़मीन में जाने की वैसी व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि हल्की बारिश में भी कई इलाकों में पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का है कि पानी समंदर में खाली होता जाए, लेकिन भारी बारिश के दौरान जब समंदर का स्तर बढ़ता है तो ड्रेनेज के गेट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि पानी वापस शहर में लौटकर तबाही न मचा दे। भारी बारिश के दौरान ऊंची लहरें बचे कुचे ड्रेनेज सिस्टम को भी रोक देती है। इस सिस्टम के दोबारा काम पर लौटने में पानी घटने के बाद लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान पानी भरा ही रहता है।